सभी, इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास का 8th चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सेम यही चैप्टर आपका 11th क्लास में भी है, इंट्रोडक्शन, जो वो ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल है, ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन बेसिक है, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे करेंगे और आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सारे पार्ट करते रहना, स्किप मत करना वीडियो को कि आप के कोई स्टेप छूट जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होता है, सबसे पहले ये देखो यूज कहां पर होता है। जैसे कोई बहुत ऊंचाई छोटी हो, जैसे आपका कुतुब मीनार, अगर कुतुब मीनार की हाइट देखोगे आप बहुत लंबी है, उसकी हाइट कैसे मेजर करोगे? कोई फीता लगाएगा नहीं, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप उसकी हाइट पता कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट, जैसे कोई ये कुतुब मीनार है एक टाइप से, ठीक है, तो यहां पे कोई बंदा खड़ा है, यहां से किस एंगल पर वो उस चोटी को देख रहा है और इससे के बेस से कितनी दूरी पर है, यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री वो उसकी हाइट पता कर सकते हो। कोई पहाड़ हो गया आपका, पहाड़ कितनी दूरी पर खड़े है, कितनी छोटा ऊंचाई पर देख रहे हो आप, कहां से देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप उसकी हाइट पता कर सकते हो, पहाड़ से कितनी दूरी पर और आपके पास क्या थीटा एंगल है, तो आप उस पहाड़ की हाइट भी पता कर सकते हो। ये तो हो गया आपका यूज ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो आप लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस ट्रायंगल में होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रायंगल में यूज होता है वो कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, देखो ये बना दी मैंने एक ट्रायंगल, ये लिख दिया मैंने 90 डिग्री, ये हो गया ए बी सी, ठीक है, ये हो गया आपका थीटा, यहां पे भी कोई एंगल बनेगा, यहां पे भी कोई एंगल बनेगा, ए और एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, क्या, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में, ठीक है। अब देखो आपका जो ये बी एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल ये 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मींस आपका कंफर्म हो गया कि जो आपके एंगल ए और एंगल सी है, जो आपके एंगल ए और सी उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। दैट मींस आपको पता लग गया एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री और एंगल सी आपका 90 डिग्री से कम होगा, एंगल ए और एंगल सी आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, और एंगल बी अगर आपका 90 डिग्री हो उस टाइम, ठीक है। जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है वो सारी की सारी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगी। जैसे कुतुब मीनार की हाइट है परपेंडिकुलर है, पहाड़ की हाइट है परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स इसी टाइप से आप किसी की परपेंडिकुलर, किसी टावर की हाइट है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइट पता करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का यूज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज क्या क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 आइडेंटिटीज है, इनका यूज करना भी हम सीखेंगे। उससे पहले मैं एक और बार बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, 9th क्लास में क्या पढ़ी थी आपने? 9th क्लास क्या 8th में भी पढ़ी होगी, 6th 7th में पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक हमारा ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है आपका, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कई जगह होगा, काफी जगह होगा यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, ये ध्यान रखना कि साइन थीटा कोस थीटा में आपके एंगल चेंज होते ही आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हैं। ये आपका हो गया एंगल एबीसी, इनका सम आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये पाइथागोरस पढ़ी थी। और अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज है साइन जिनका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। अब हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है, एक आप तो आपको होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। दैट मींस आपकी ट्रायंगल होगी ए बी सी, ठीक है। सबकी आइडेंटिटीज का रेशो की याद करने का, पता लगाने का एक आसान तरीका है, पी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर बोले, ठीक है। साइन पहले के ऊपर लिखो साइन, दूसरा कोस, तीसरे के ऊपर टेन, इसके नीचे कोसाइन, कोसिकेंट, कोसेक, इसके नीचे आ गया सेक और इसके नीचे आ गया कोट। ये आप लोग अगर ध्यान रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, सारी की सारी आइडेंटिटीज के आपके फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। जैसे यहां पर अगर कोई थीटा है आपका, ठीक है, जो थीटा के साथ होगा वही हमेशा बेस होगा आपका, ये बात ध्यान रखना। इसमें जहां पर आपका थीटा होगा वहीं पर बेस होगा। अगर मैंने थीटा इसको बना दिया तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी नीचे लेते हैं थीटा को, थीटा आपका यहां पर है तो ये आपका बेस है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। आइडेंटिटीज का रेशो क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन कहां पर लिखा हुआ, ये इन दोनों का रेशो क्या है, पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, इनकी फुल फॉर्म ये है,
लेकिन ये याद करने के लिए आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटन्यूज, ये भी हाइपोटन्यूज, ये बेस। अब आपको निकालना है साइन थीटा की आइडेंटिटी, तो आपकी आइडेंटिटी होगी पहले वाली पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी अपॉन हाइपोटन्यूज ए सी, ठीक है। सेम ऐसे ही कोस का, कोस की कोस का आइडेंटिटीज का रेशो क्या होगा, तो आपका क्या है, कोस कहां है सेकंड नंबर पर, बी अपॉन एच, बेस क्या है बी अपॉन हाइपोटन्यूज, बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस क्या है जो थीटा के साथ है आपका, बी सी अपॉन हाइपोटन्यूज ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। अब क्या है टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ये रेशो लेके चलना है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, और बेस क्या है बी सी। अब आपको निकालना है कोसिकेंट, कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, ये नीचे लिखा हुआ तो नीचे से देखना शुरू करना है, इनको नीचे से ऊपर देखना है, हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटन्यूज क्या है ए सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और दूसरा क्या है सेक थीटा, सेम वही आपको नीचे से देखना है, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटन्यूज क्या है आपका ए सी अपॉन बेस क्या है बी सी। अब तीसरा क्या आ गया हमारी आइडेंटिटी कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या है, कोट थीटा भी नीचे से देखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक है। आपको क्या देखना है, ये याद रखना है बस आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटन्यूज, H मतलब हाइपोटन्यूज, B मतलब बेस, और हिंदी वाले क्या होते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब करण आधार, करण लंब आधार, ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया लाल बटे कक्का, लेकिन इंग्लिश मीडियम आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये ध्यान रखना है ऊपर साइन कोस टेन, नीचे कोसेक सेक और कोट, ठीक है। अब देखता दिखाता हूं मैं आप लोगों को थीटा की वैल्यू चेंज करने पर क्या चेंज आता है, अगर मैं ये थीटा यहां पर लिख लेता हूं, ये थीटा लगा दिया मैंने, ठीक है, तो दैट मींस आपका क्या चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, बेस आपका ये बन जाएगा, अगर थीटा इसको मानोगे आप, आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा ट्रायंगल में ध्यान रखना आपको चेंज करना, लेकिन साइन थीटा हमेशा ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बीसी,
बीसी और हाइपोटेन्यूज आपका एसी। देखो यहां पर एबी की वैल्यू आई थी परपेंडिकुलर में, यहां पे हमारी बीसी की आ रही है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू एंगल ए, अगर हम एंगल ए को थीटा ले, जब ये कंडीशन बनेगी आपकी, बेस आपका थीटा वाला बन जाएगा, ठीक है। साइन थीटा सेम ऐसे ही, कोस थीटा में क्या चेंज आएगा, कोस थीटा में ये यहां पर सेम रहेगा हमेशा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आपका, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। यहां पर क्या था आपका, यहां पर था आपका बी सी, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है ए बी, देखो चेंज आ रहा है आपका थीटा के कारण आ रहा है ये बस्तर, ठीक है, थीटा के कारण चेंज आया। यहां पे थीटा क्या था हमारा, थीटा हमारा यहां पे एंगल सी था, यहां पे थीटा हमने एंगल ए लिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि जहां पर मेरा थीटा बनेगा, जहां पर मैं एंगल बनाऊंगा, जो भी आपका 30 डिग्री या 40 डिग्री होगा एंगल, वही आपका बेस के ऊपर बनेगा। सबसे लंबा तो आपका ये ध्यान रखना कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपका करण रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, लेकिन जो इस हाइपोटेन्यूज से दूसरा जो एंगल के साथ बनेगा वो बेस के साथ बनेगा, हमेशा हमेशा हमारा एंगल बेस के साथ बनेगा, हाइपोटेन्यूज के साथ हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब थोड़ा आगे करते हैं, हमारा जो क्या लिखा हुआ था वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले मीन्स साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक, कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात समझाना चाह रहा हूं, क्या है बात है वो कि जैसे आप लोगों को पता ही लग गया है साइन थीटा क्या होता है हमारा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर थीटा बनता है वो आपका बेस है, ठीक है, दूसरा आपका परपेंडिकुलर है, और जो सबसे लंबी साइड है वो आपका है हाइपोटेन्यूज, जो सबसे लंबी साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये एक आपका 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं आपको एक और चीज, जैसे साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा, साइन थीटा बोलोगे आप सीधा आते ही कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिवाइड में लिखूं कैसे, जैसे कोई नंबर है मेरे वन अपॉन ए अपॉन बी, कुछ इस टाइप से लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बी ऊपर चला जाता है आपका और ए नीचे रह जाता है, ऐसे बनती है कोई आपका रेशो कि कोई डिवाइड में नंबर लिखा हो, ठीक है। जैसे आपने एक और एग्जांपल देखो, वन अपॉन थ्री अपॉन फाइव लिखा हुआ, थ्री अपॉन फोर है, तो दैट मीन्स अगर आप इस डिवाइड को हटाना चाहोगे तो ये फोर ऊपर लिखोगे और थ्री नीचे लिखोगे, ठीक है। सेम इसी का अपोजिट करते हैं हम, अगर मेरे पास a अपॉन b है, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा b अपॉन a नीचे, इस टाइप से लिखूंगा। अगर हमारा इस रेशो में हो कोई चीज, सेम वही चीज मैं यहां पे करने जा रहा हूं, ये समझो पहले वन अपॉन ए रेशो b है, तो हम इसको b को ऊपर ले जाते हैं, a को नीचे ही रखते हैं, जो ये इस बड़े वाले डिवाइड के नीचे है वो तो यहीं पे रहेगा और बचा हुआ जो है वो ऊपर चला जाता है।
आपने छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में ठीक है टेंथ में भी कर रहे हो ये किया होगा ठीक है। अब यहां पर देखो तो आपने ये किया पी आपका कहां पे जाएगा अगर मैं ऊपर तो वन रहेगा ये हो गया आपका हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और ये देखो अब हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या चीज है आपकी हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो आपने देखा कि आपका क्या है कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या है आप नीचे से देखना लिखा नीचे लिखे हुए जो नंबर नीचे से देखोगे हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर सेम यही चीज है और यहां पे भी क्या आ गया ये हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो दैट मीन्स आपको पता लग गया कि मेरा वन बाय साइन क्या होता है वन बाय कोसेक थीटा। अब आते हैं दूसरा कोट थीटा क्या है कोस थीटा क्या है आपका कोस थीटा बोलोगे आप बेस अपॉन हाइपोटन्यूज ठीक है सेम वही फॉर्म बी अपॉन ए है अगर हमारा तो वन अपॉन बी अपॉन ए अपॉन बी रह जाएगा नीचे आगे इस फॉर्म में लेके आऊंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा ये वन अपॉन एच अपॉन बी इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज अपॉन बेस क्या है हाइपोटन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा क्या है आपका सेक थीटा क्या हाइपोटन्यूज अपॉन बेस हाइपोटन्यूज अपॉन बेस ठीक है तो दैट मींस ये आपका सेक थीटा तो कोस थीटा क्या होगा आपका कोस थीटा होगा इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा वन अपॉन sec थीटा। अब tan थीटा में भी सेम यही चक्कर है आपका tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वन अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है cot थीटा लिखोगे आप तो cot थीटा क्या है नीचे से देखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स वन अपॉन कोट थीटा। हमेशा ध्यान रखना कि हमारा साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा और कोस थीटा वन अपॉन सेक थीटा कोट थीटा वन अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा वन अपॉन कोट थीटा कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा sec थीटा वन अपॉन cos थीटा इन्हीं सभी का अपोजिट ये होता है जैसे sec थीटा लिखोगे आप cosec थीटा लिखो पहले cosec थीटा क्या किया आपने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस परपेंडिकुलर h अपॉन p सेम वही किया वन अपॉन p अपॉन h तो क्या हुआ p अपॉन h क्या है sin थीटा क्या है p अपॉन h तो वन अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा क्या है सेम वही है आपका सेक थीटा क्या है हाइपोटन्यूज अपॉन बेस जो नंबर आपके नीचे लिखे हुए है दैट मीन्स आपको नीचे से देखना है उनको उनका जो रेशो आएगा एच अपॉन बी तो ये आ जाएगा वन अपॉन बी अपॉन एच बी अपॉन एच क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज कोस थीटा दैट मीन्स वन अपॉन कोस थीटा। अब आ गया हम कोट थीटा नीचे लिखा हुआ है नीचे से ऊपर देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर और वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है टेन थीटा दैट मीन्स वन अपॉन टेन थीटा। कभी भी कंफ्यूजन में मत आना कि हमारा साइन थीटा को इस फॉर्म में क्यों लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कोसेक थीटा होता है कोस थीटा क्या होता है वन अपॉन सेक थीटा होता है टेन थीटा वन अपॉन कोट थीटा कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा कोस सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा वन अपॉन टेन थीटा।
बस इससे ही बन जाएंगे आपके ये सब के सब फॉर्मूले। क्या है ये हमारा पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, ये क्या है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये ध्यान रखने आपको सेक थीटा और कोट थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऊपर है नीचे उनका कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, ये सारे आपके यहां पर हो गए। अगर आपको ये पाइथागोरस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस पाइथागोरस ठीक है, जो पाइथागोरस है वो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हर जगह यूज होगा, हर जगह नहीं मतलब मैक्सिमम टाइम आपका पाइथागोरस का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्यों ये राइट एंगल से रिलेटेड है और साइन थीटा कोस थीटा का भी आपका 90 डिग्री से संबंध होता है, 90 डिग्री से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। सारे ही सारे लगभग बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, अब थोड़े कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कहां पर इनका यूज होता है। हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ए बी सी, आपको ये दे दिया ये 3 सेंटीमीटर ये दे दिया 4, तो आप हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको एंगल दिए हुए हैं। अभी हम थीटा नहीं लेते, पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या आपका एसी, एसी का स्क्वायर, ठीक है, एसी का स्क्वायर क्या होगा आपका परपेंडिकुलर क्या है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी एबी क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25, एसी का स्क्वायर है तो दैट मीन्स आप ये मत समझ लेना ये 25 सेंटीमीटर आ गई, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा आपका, एसी इज इक्वल टू रूट 25 और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी एसी आ गई 5। अब वही आ जाओ आप निकाल लो, क्वेश्चन में आएगा ये दे देंगे आपको, ये दो साइड दे देंगे और फाइंड साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी टेन ए टेन सी, इस टाइप से दे देंगे। सेम आपका यूज क्या आएगा वही, क्या वही पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब क्या निकालना है आपको साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, अब ए देखो टॉप पे है ऊपर उसी के साथ आपका बेस बनेगा ये ध्यान रखना बस, क्या है आपका साइन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो आप सभी को पता है जो सबसे लंबी साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमेशा आपकी सबसे लंबी साइड रहेगी, हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे लंबी साइड रहेगी। अब आते हैं बेस पे, हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, अब उसने पूछा है ए, तो ए क्या आपका एंगल ए यहां पर बना हुआ है उसी के साथ हमारा बेस बनेगा, बेस
बेस हो गया ये, और बेस से जो दूसरा होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका आंसर हो गया 4/5। परपेंडिकुलर माना था इसे, बेस नहीं, बेस आपको पता लग गया तो दैट मीन्स दूसरा हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब दूसरा बोल दिया उसने, लो भाई आ गया आपका साइन सी, साइन सी पूछ लिया। अब एंगल ले लिया उसने ये सी, ठीक है, ये 4 थी और ये 3 थी, दैट मीन्स आपका एंगल ये आ गया, तो ये बेस हो गया आपका, जहां पर आपका एंगल होगा थीटा होगा वही आपका बेस होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या 3/5, डिफरेंस देखो इन दोनों में, डिफरेंस आपका 4/5 आ गया और ये आ गया 3/5, बस क्या डिफरेंस रहा थीटा, एंगल का डिफरेंस आते ही आपके वैल्यू चेंज हो गई। सेम ऐसे ही कोस ए, कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए यहाँ पे देखो पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले कोस का आया दूसरे नंबर पे लिख रहा है ये कोस, बी अपोन एच बेस, बेस क्या है पता नहीं, पहले एंगल देखो कौन सा एंगल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस का पता नहीं, बेस पता लगेगा कब, एंगल से, एंगल ए, बेस, बेस आपका ये हो गया 3, जहां पर आपका एंगल बन रहा है हाइपोटेन्यूज से दूसरा आपका बेस 3/5, और कोस सी एंगल यहाँ पे है, बेस आपका ये हो गया अब 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अब ये आपका 4/5, ठीक है। सेम ऐसे ही 10a, अब 10a क्या है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, रट लो इसको, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हर हर बोले हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, सेम एंगल से जो एंगल है वो बेस है, एंगल का ये है तो 3 आपका बेस हो गया, तो दैट मीन्स 3 परपेंडिकुलर दूसरा हो गया 4, 10c सी बेस ये हो गया आपका 4, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 3/4, वैल्यू चेंज हो जाती है आपके एंगल चेंज होने से। जब भी आप लोगों का एंगल चेंज होगा तो दैट मीन्स आपकी बेस भी आपका चेंज हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, आपका बेस भी चेंज हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचना कि हमेशा मेरा बेस नीचे वाला ही रहेगा, हमेशा बेस आपका नीचे वाला नहीं रहेगा, आपका एंगल जो होगा, एंगल के साथ जो एंगल बनेगा, जिस लाइन के साथ आपका एंगल बनेगा, हाइपोटेन्यूज होगा एक तो उसमें, और एक जो दूसरा होगा वो आपका बेस होगा, ठीक है। ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज में, ठीक है, आपको ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।